नमस्कार किसान साथियों, न्यूज एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। आपको अभी भैया हम क्या दिखाने वाले हमें वाटर सोर्स दिखाएंगे, दो एल्कलाइन वाटर। बिल्कुल, अभी भैया हमें दिखाएंगे एल्कलाइन वाटर। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहो भाई। एल्कलाइन वाटर, जिन्होंने भी कैंगन वाटर की मशीन लगा रखी है ना, वो मेरे साथ में आ जाओ भाई। और जो कैंगन वाटर पीते हैं ना, पहाड़ों से होता आता है, जड़ी बूटियों से निकल के, बिल्कुल इसमें आप मतलब आपकी आधी बीमारियां तो। ये देखो भाई, यहाँ पर ये देखो टमाटर की खेती होती है यहाँ पर ऐसे करके। ये चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो अभी आपको दिखाएंगे एल्कलाइन वाटर, 9.5 pH निकलेगा और पहाड़ों से निकल के आता भाई, नेचुरल। और मैं गया हुआ हूँ सोलन, और आपके लिए अभी जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो भाई। ये देखो भाई, हम पहाड़ों के अंदर से जा रहे हैं और यहाँ पर है ना शेर चीते वगैरह भी यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। मिलेंगे तो हम उनकी वीडियो भी ज़रूर शूट करेंगे भाई। ये देखो भाई, हमारे भैया आगे आगे चल रहे हैं और ये यहाँ के ही निवासी हैं, सोलन के ही रहने वाले हैं। तो इन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पर डॉक्टर साहब, यहाँ पर एल्कलाइन वाटर भी है। निकल लोकल फल होता है, इसकी सब्जी बनती है। अच्छा, इसका नाम तो बोलते हैं हमारे भी होता है, ऐसे फेगुड़ी बोलते हैं हमारे, फेगुड़ा बोलते हैं। बाकी भाई कमेंट करके बताओ इसको क्या बोलते हैं। ये देखो ये फल है जो, इसको क्या बोलते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी से निकल पड़े हैं, वीडियो को शेयर करते रहो भाई जल्दी जल्दी से, हम बहुत फास्ट चल रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ पर, ये देखो शिमला मिर्च ये लगा रखी हैं। ये यहाँ पर ही पनीरी तैयार होती है, यहाँ पर ये आसी वाली नर्सरियों से नहीं लेके आते भाई, गोभी की पौध। तो भाई ये देखो भाई जल्दी जल्दी शेयर कर दो, देखो हम कहाँ पर आ चुके हैं। और ये हमारा रास्ते तो यहाँ से भी जाता है ना रास्ता तो ऊपर। ये देखो भाई बहुत बड़े बड़े पौधे हैं यहाँ पर, सभी फलदार पौधे हैं। किसी पे सेब लगते हैं, किसी पे कीवी लगती है, किसी पे चिक्कू लगते हैं। पान का पेड़ जिसका मैं कर रहा काटने के लिए, बिल्कुल मना ही है। ये हमारा राज्य पेड़ है बांध। ये टेम्परेचर को ठंडा रखता है, टेम्परेचर को ठंडा रखता है। और यहाँ के पत्तियाँ जो इसकी हो, यहाँ के पशु खाते हैं, लकड़ी यहाँ की जलाने के काम आती है। अच्छा, वो पौधा कहाँ पर है जो आप बता रहे थे, उसके अंदर एक कील भी नहीं घुस सकता। यहाँ पर एक ऐसा, ये इनका राष्ट्रीय पौधा भाई, हिमाचल का राष्ट्रीय पौधा है ये, इसका नाम है बान राज्य नाम है इसका। और ये हिमाचल का फेमस है, इसको कोई भी यहाँ पर छू नहीं सकता। जैसे कि मेरा मतवल था छूने का कि इसको काट नहीं सकता कोई भी यहाँ पर, उस पर उसको सरकार फिर काफ़ी उस पर सजा दे देती है उसको। ये देखो भाई, ये व्यू स्पेशल आपके लिए है भाई। और मैं डॉक्टर सोनू जमालपुरिया आपके लिए, अनारदाना खाते ही चटनी में। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई अपने ना अनार का पौधा नीचे फैल जाता है, ये यहाँ पर देखो पौधा है, पेड़ है अनार का। देखो पेड़ में और पौधे में फर्क होता है। और ये देखो ऊपर ये क्या चीज लगी हुई है, मेरे को कमेंट करके बता दो भाई जल्दी जल्दी से। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये देखो, ये यहाँ पर पूरे के पूरे फलदार पौधे हैं। तो भैया हमारे साथ से आगे निकल चुके हैं, तो हम भी जल्दी जल्दी से उनके साथ साथ चलेंगे। देखो हम यहाँ पर आज यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कौन सी सब्जी लगती है सोलन में, और सोलन के जिस गांव में हम आए हैं। ये देखो भाई, वो भैया पहुँच बहुत दूर पहुँच चुके हैं। और जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहो भाई, और न्यूज़ एग्रीकल्चर को फॉलो कर लो भाई जल्दी जल्दी से। आपको हरियाणा में भी आए विजिट हम करवाते रहते हैं, और अभी आज हिमाचल में आए हैं, और अब जाएंगे हम मंडी में भी आपको दिखाएंगे सभी अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पर जो आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो ये नेट लगा हुआ बहुत दूर, तो इसके अंदर भी वेजिटेबल है, कैप्सिकम लगी हुई, मिर्ची, शिमला मिर्ची। तो यहाँ पर ये जो आए हैं, पानी छू जरा कितना है, पहले पानी छू आके। ये देखो भाई, अब फ्रिज फेल हो जाएगा आपका।
ओ इतना ठंडा पानी आ भी रहा है यहाँ से। नमस्ते आंटी, ठीक हो? देखो भाई ये देखो एल्कलाइन वाटर है ये, बिल्कुल ये देख सकते हो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 2-3 लाख रुपए लगा के मशीन लगवाते हैं ना, वो ये वाला पानी पियो, एल्कलाइन वाटर। ये देखो यहाँ से आ रहा है पहाड़ के नीचे, ये चश्मे का पानी बोलते हैं इसको, चश्मे का पानी बोलते हैं इसको। तो भाई ये जो पानी है इसकी, मैं तो नीचे रहता सोन में, ये देखो भाई बिल्कुल क्लीन पानी है और इतना ठंडा पानी है। अगर इसका टेम्परेचर की बात करें, सर हमारे वो नीचे कंपनी भी है ना सर की, तो इसका टेम्परेचर कंपनी है कभी कभी आ जाते हैं वो। तो ये जो यहाँ से जो जो ये पानी यहाँ से आ रहा है ना, चश्मे का पानी बोलते हैं इसको, ये पहाड़ों से रिस्क रिस्क आ रहा पानी। तो इसका टेम्परेचर अभी -6-7 डिग्री माइनस में है इसका टेम्परेचर भाई, तो इतना ठंडा पानी है ये। लेकिन जो बाहर का क्लाइमेट है ना, उसके हिसाब से इसके अंदर फ़र्क मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका फ़र्क है, अभी बाहर का टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ बाहर नॉर्मल 25 का टेम्परेचर है, 22 से 25, और इसका 7 है खाली, -7 ये टेम्परेचर। तो ये देखो भाई यहाँ पर ना, जैसे कि हमारे वहाँ पे नलके होते हैं ना, तो नलके से पानी लेके जाती है, तो आंटी यहाँ पर पानी लेने आती है। आंटी हर रोज, हाँ पियेंगे पियेंगे पियेंगे, तो आंटी हर रोज पानी लेके जाते हो, खाना पीना यहीं से बनाते हो सब कुछ? तो आप यहाँ से कितनी दूर से आते हो पानी लेने के लिए? अच्छा, यानी कहने का 200-300 मीटर आगे इनका घर है नीचे, तो ये हर रोज सभी यहीं लगभग यहीं से पानी लेने, यहीं से ले जाते सब पीने के लिए, यहीं से पीने के लिए तो यहीं से जाएगा। देखो भाई ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये एल्कलाइन वाटर है, जो आप फेसबुक पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो ना, जो 800-800 रुपए की लीटर बोतल आती है, तो वो यहाँ पर आके आप फ्री में पी सकते हो भाई। और फैल है उसके इसके आगे, ये तो वो आप मशीन से लिया गया पानी लेते हो आप, और जो यहाँ पर आप क्या आके पानी पियोगे ना, और यही फसलों में लगाते हैं ये लोग, आपको मैं बता देता हूँ, ये ना 9.5 pH का ही पानी लगाते हैं आपकी फसलों में। देखो ये लाइन, पशु भी इसी को ही पिएगा और फिर अच्छा दूध भी, हाँ ये उसकी क्वालिटी है, इसी को ही पिएगा। तो देखो ये इन्होंने मोटर लगा रखी है पानी ले जाने के लिए, तो ये फार्म पे जाती है उधर, फार्म पे लोकल में जो जितने भी घर है ना, तो वो सभी जगह ये जाती है। तो साथियों वीडियो को अभी लो पकड़ियो सर एक बार, पानी पी लीजिए अभी, मैं ये भाई पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ये 9.5 pH का एल्कलाइन वाटर है, एल्कलाइन वाटर है। आप ना अपनी मशीन लेके आ जाना यहाँ पर चेक करने के लिए, मैं पूरा दावे के साथ बोलता हूँ, यहाँ पर आओ। इस फार्म का नाम बताना भैया क्या है? शेर पाइको रिजोर्ट में आओ, और कॉन्टैक्ट नंबर भी भैया बता देंगे आपको, कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दो। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे 9286-7340। मज़ा आ गया, ठंडा रहो कितना। देखो भाई मैंने ना कितना पानी पी लिया, ये देखो पूरा भरा था ये, और अभी इतना पानी पी, 700 ml क्या सर, 700 ml, और है ना अभी ना देखो ऐसे ही भरा जाएगा ये, कोई कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हिलाया, ये देखो भर लिया भाई, ये देखो भाई ठंडा पानी, और ना नहाएंगे ये, और ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसके अंदर जो बबल दिखते हैं ना, जो ये कहाँ पे गया, ये देखो भाई इसके अंदर ये बबल दिख रहे हैं ना आपको, ये कैल्शियम के बबल जो दिखाते हैं आपको, ये जो एल्कलाइन जो बनाते हैं, जो अपना इसमें जो कैल्शियम होता है ना, वो भी नेचुरल है भाई, ये देख सकते हो, जो आपको मशीन के जो डेमो देने के लिए आते हैं काफ़ी साथी, तो वो दिखाते हैं इसके अंदर, तो वो चीज़ इसके अंदर भी मिलेगी आपको, ये देख सकते हो भाई चश्मे का पानी। तो वीडियो को साथियों शेयर करते रहो जल्दी जल्दी से, हमें दिखाने के लिए लेके आए हैं ये भैया, दिखाने के लिए लेके आए हैं, तो इन भैया का मैं पूरा धन्यवाद करना चाहता हूँ इन, और इनसे मैं, और ना यहाँ पर आपको ना इनका फार्म है, यहाँ पर ये सीड तैयार करते हैं, जैसे लेडी फिंगर है, किस किस चीज़ के सीड तैयार करते हैं हमारे पास? ऑल वेजिटेबल सीड्स तैयार होते हैं, जैसे ओकरा में आपकी भिंडी आ गई, तरबूज आ गया, खरबूजा आ गया, खीरा आ गया, कोई अंदर आ गया, इनका जो भी आपको सीड मिलेगा ना, तो वो अमेजोन करके जो कंपनी है, अमेजोन सीड्स उसके नाम से इनकी कंपनी है, और आज इनकी कंपनी पे विजिट करने के लिए हम पहुँचे हैं, तो इनकी कंपनी के बहुत ही बढ़िया बढ़िया बीज हैं, और मैं आपको लेडी फिंगर दिखाऊंगा इनकी कंपनी की, जो भिंडी होती है ना, आपने अभी तक मेरे को काफ़ी बार बोल चुके हो
कि आप ना एडिटिंग करके दिखाते हो। आज मैं आपको नेचुरल भिंडी दिखाऊंगा वीडियो में, पूरी की पूरी वीडियो में दिखाऊंगा मैं फार्म के अंदर आपको, और वैसे ही भिंडी लगेगी भाई साहब। अगर उस पौधे की बात करूं तो वो 30 दिन का पौधा, 30 दिन के पौधे के ऊपर आपको भिंडी देखना कैसी लगी हुई है। बिल्कुल जो मैंने फोटो आपको जितने भी शेयर किए ना आज तक, वो ही भिंडी आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी मेरे साथ थे ना, वीडियो को शेयर कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे लेडी फिंगर। धन्यवाद।